कितने पैसे कितने? भाई मुझे फिल्म ना करना फिल्म कौन बनवा रहा है आपसे फिल्म? पैसे कितने? क्या सब्जी खरीदने आए आपको? पैसे कितने क्या? कितने पैसे लेंगे आप फिल्म में काम करेंगी? छोड़ दें, मैं मूवीज किसी की नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी। ये किसी की नहीं है, अपनी करती है ना जी, अपनी करती है ना, आपकी अपनी है। पैसे बताएं, हम जो फिल्म बना रहे हैं ना सिनेमे पे नहीं चलेगी। कहाँ चलनी है फिर? सड़कें खुलियां हो गई हैं, सड़कों पे चलेगी भजन पुल पे चलेगी, ऑरेंज चलने लगी ओदे सामने चलेगी, और मेट्रो पे चलेगी। मेट्रो तो वो छोटी है, वो नहीं मेट्रो के अंदर ना बड़ी स्क्रीन। हाँ ये बात। अच्छा कोई मुझे दिखाएं तो सही, कोई सीन करके दिखाएं। इन्होंने क्यों करना है यार? मुझे पता तो चले कि ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट करना हो, किस टॉपिक पे, किस टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट करेंगे आप? किस टॉपिक पे शुरू करनी है मुझे बताएं। नहीं मुझे आप बताएं ना, विमेन एम्पावरमेंट पे। हाँ ये की कह रहे हैं। हाँ। लेकिन जो विमेन पावर है ना, विमेन पावर, हाँ। के जो खवातीन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, उनके ऊपर फिल्म बनानी है, तो कौन किस तरह बनाएंगे फिल्म? बिल्कुल ठीक है। ये नूर जी बाहर से आई हैं, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं ना, इनको छोड़ दें आप। नहीं, नहीं है ना फिल्म में, नहीं आ रही ना, सीन ही तब बनेगा। आए नूर जी, आए। मैं नहीं करूंगी। क्यों? मैं नहीं, ये आपकी अपनी फिल्म है, हमारी फिल्म नहीं है। तो वो अपनी फिल्म में अभी क्यों करेगी आके? आए जरा, आए तो सही, प्लीज जरा आए। ये सही सही पाकिस्तानी डायरेक्टर हैं। Exactly. इतने ना मतलब ढीठ हो जाएंगे। चिचड़ चिचड़ो, चिचड़ो के आपको नूर की माँ का वास्ता होगा। आए जी आए, प्लीज। ओके डायरेक्टर साहब बताएं क्या करना है। जी करना ये है, आप बाहर से आई हैं। हाँ। तो ये जो है ना, ये आपकी बेगम है। आप बैठी रोटी पका रही हैं, आप बाहर से आई हैं, इतनी देर क्यों कर दी? आपको पता नहीं है मैं काम पे गया था, वापस आया हूँ। ये ऑडिशन ले रहे हैं? ऑडिशन क्यों ले रहे हैं आप? नहीं नहीं मैं समझा रहा हूँ। क्या कहना है जी? क्या कहना है? ये आपकी बेगम है, तो मूंछों वाली बेगम। आपने आके सिर्फ इतना ही कहना कि क्या बात है, इतनी देर क्यों रोटी? आप एक्शन करें। ओके एक्शन। चले छोड़ें जी, इनको क्या कहना है, आप हुक्म करें किस किस को रखना है और किस किस को नहीं रखना फिल्म। देखिए फिल्म ये नूर जी हैं, इनको सहन कर लें। जी जी मैं इनको सहन कर लेता हूं, लेकिन मेरी स्टोरी कुछ जी वो सुन ले जी। फिल्म जैसी भी बनाए, आपने सिर्फ और सिर्फ हीरो जो है ना वो नून लीग को बनाना। नून लीग को क्यों हीरो? बिजली आए ना आए, हीरो नून लीग हो गई। नहीं क्यों? नहीं नहीं देखिए, हम फिल्म इज डिफरेंट, पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। हम फिल्म नो फिल्म में ये जो आप क्या बता रहे पॉलिटिक्स, इसको थोड़ा ना मिक्स करके मुतंजन बना के दिखाएं मुझे। चलिए ऐसा करते हैं, शाहिद फरीदी को लेते हैं, शुएब को लेते हैं, और इनको लेके ना हीरो फिल्म में, तो फिल्म बना लेते हैं। जाओ यार काम करो, फिल्म नून लीग की बना रहा है और बंदे सारे एक नंबर रख रहे हैं। नहीं नहीं इसको रखते हैं ना, जितने भी खिलाड़ी हैं इनको लेते हैं, हीरो लेके तो फिल्म बना लेते हैं। आप राणा सुनाउल्ला को हीरो? ये फिल्म नहीं, ये नहीं हीरो आ सकते। एक्सक्यूज मी जी, किनको हीरो रखने? राणा सुनाउल्ला साहब। राणा सुनाउल्ला साहब कहाँ से हीरो लगते हैं जी? ऐसा करते हैं, चलो आपकी बात मान लेते हैं, राणा सुनाउल्ला को विलन ले लेते हैं। वो तो पहले ही है यार, मैं हीरो बनाना चाहता हूँ यार। नहीं नहीं हीरो नहीं बन सकते ना यार। क्यों नहीं बन सकते? पैसा मेरा है कि आपका है? अच्छा और किसको ले रहे हैं? उसको हीरो ले लेते हैं। ओके उसकी। अगर आपकी फिल्म में कोई ऐसा किरदार आपको चाहिए कि जिसकी जुबान बहुत गंदी हो, तो उस पे आप अपना रख ले तलाल चौधरी को। उससे क्या होगा? उससे भी रख लेते हैं। और आप शेर अली को रखे? वो उन्होंने कादे च रखी है, उन्होंने तुसी गिलास च रख लो। अगर आपने फिल्म में गाली गलोच करवानी है तो आला दर्जे की, अगर गालियां निकलवानी है तो फिर जुवेद लतीफ साहब को रखे प्लीज। लेकिन इस तरह के लोग हम अपनी फिल्मों में क्यों रखें? हमें अच्छी फिल्म बनानी, क्यों नूर? हमें अच्छी फिल्म नहीं बनानी? जब आपको पैसा मिल जाएगा, अच्छी बने या बुरी बने, आप पागल है? हमें एक अच्छी फिल्म बनानी, पैसा की क्या बात होती है? आपको पैसा मिलना चाहिए यार, बना दे आप बिल्कुल। नहीं तो फिल्म देखेगा कौन? नून लीग वाले सारे? जो देखेगा टिकट के साथ हमने स्कीम रखी हुई है, पाया मुर्गे का गोश्त, एक लैपटॉप और एक उसके घर के आगे पुल बना देंगे जो टिकट लेगा। जाओ ऐसे नूर से पूछे कितने पैसे लेंगी। कितने पैसे लेंगी जी आप? सॉरी मैं आपकी फिल्म में काम नहीं करूंगी। ये सब कहती है जी, बाद में मान जाती है जी। नहीं वो नहीं, मैं वो बहुत नहीं करना ना, उन्होंने कहा मैं बहुत चूज रही हूँ, मैं मुझे नहीं को बना सकता। एक मिनट रोटी बन गई है? टूट पैरे कहाँ से बन गई है, गैस ही नहीं आ रही। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता, एक रोटी नहीं बना सकती जब मैं काम से आऊं? कैसी औरत हो तुम? कहां मैं रोटी बनाऊं, 13-13 रोटियां खा जाते हो तुम।
मोहल्ले वालों की रोटियां खानी पड़ती है, क्योंकि अपनी बेगम जो है वो मूंछों वाली और फोहड़ है। हाय मैं मर गई, मैं पहले ही कहती सा ए नारदी प्रवीण नु मिलता है। हाँ हाँ मिलता है, क्योंकि मूंछे नहीं है। कोई गल नहीं, बुढ़ी होएगी और ये भी निकल आ गई। ओके गुड। अच्छी किधर एक सीन हूं तुम ही दस से। अच्छा ये तो अपने पैसे पूरे करने हैं। एग्जैक्टली, दिस इज ऐसे नहीं होता ये। आप बाहर से आई है, आपका पापा घर में अखबार पढ़ रहा है। आप पापा बन जाए, देखे मैं आपकी खातर माँ बना हूँ ना। हाँ बना हूँ ना, हालांकि मैं माँ लगता भी नहीं हूँ। बीवी बीवी बने हो आप, उसकी बच्चों की तो बना हूँ ना। हाँ हाँ, तो इसलिए आप भी बन जाए पापा। चले बैठे, तशरीफ रखे। यहाँ पापा अखबार पढ़ रहे हैं। नीचे बैठा? जी जी नीचे बैठा। पापा पापा झूठा नहीं गड़ाया। बैठ जाओ, आपने जाके कहना है अब्बा जी मैं एक लड़की नू पसंद कर बैठा, मैं उदे नाल शादी करना चाहना वा। तन तुहाडी मां दी कसम, इनकार ना करना, इनकार ना करना, इनकार ना करना, ये आपने कहना है। स्टार्ट साउंड, कैमरा एक्शन, मूड ऑफ। पापा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। क्या हुआ बूटे? पापा मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या नाम है उसका? किस खानदान से है उसका तल्लुक? अमीर घराने से। तो क्या करते है? क्या जेज में क्या दें? जेज में क्या जेज में तो वो जेज में क्या देंगे? दुआएं। इसके अलावा एक हीटर सर्दियों में। और क्या देंगे? जहेज में एक गाड़ी, एक बंगला, एक कॉलेज, एक ये बेटा जो हवाई जहाज नहीं मिलेगा। लड़की अच्छी है? लड़की खाना बना लेती है, लड़की पढ़ी लिखी है, शरीफ घर की लड़की है। अच्छा, शरीफ घर की लड़की है। आप उससे शादी करना चाहती हैं? जी बाप। आप तो डायरेक्ट कर ही नहीं सकती, फिर छोड़ दें। अब मेरी बारी। आप दोनों की एक्टिंग करनी है। आपने ये करना है कि सीन ये है कि आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं जी, एकदम से आप गुस्से में बाहर जाते हैं या आपके पीछे आते हैं, आप दरवाजा खोलते हैं और बाहर से आके दरवाजा बंद कर देते हैं, और जब तक मैं कट ना कहूँ तब तक वापस नहीं आते। इतना सीन है? हाँ जी। सुबह करेंगे, आ जाओ बैठो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये घर रेंट पे मिल जाएगा या नहीं? नॉट एट ऑल, ये ले रही है ना, आपने रखना। एक्चुअली आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ रह सकती हूँ, बड़े अजीब अजीब से लोग आपके घर आते हैं। आई एम सो सॉरी। यही बात मैं आपको कहने वाला था इनको देख के। एक्सक्यूज मी, ये क्या बात हुई? जब देखो ना, नूर जी ने नहीं लिया तो हमने क्या, हमारा भी जेन, हमारा माइंड ऐसा ही है, हम नहीं इधर रह सकते। हम भी शोबिज से तल्लक रखने वाले लोग हैं, हमें पता है कि अगर मैडम को पसंद नहीं है तो हमें कैसे आ सकता है। अच्छा चले, छोड़े इस बात को। चले कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पे इस वक्त आई। लेकिन और कोई मैसेज that you want to give to people there? I've seen people not respecting women in a lot of ways, so please respect women and you definitely going to be very successful. Okay, लेकिन जाते जाते ना, एक आपका वो गाना, कोई भी गाना जिसमें आ गया, थोड़ा सा डांस कर लेते हैं हम लोग।